विधानसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई के बाद आज बजट पर बहस होगी। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण में देरी सरकार को घेरा। वहीं श्री चंद्र कृपलानी ने कहा है कि एक तरफ तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात करती, वहीं ऐसे क्षेत्रों में काम जनसंख्या वाला हवाला देते हुए सड़क हॉस्पिटल भी नहीं बनाती। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेसी विधायकों ने मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के महिला अत्याचारों को लेकर दिए जवाब पर भी हंगामा किया। मंत्री ने दावा किया कि पिछले 6 महीने में महिला अत्याचारों के केसों में कमी आई है। शून्यकाल में बीजेपी विधायक जेठा चंद व्यास ने प्राइवेट बिजली कंपनियों की मनमानी का मामला उठाया है। व्यास ने बीकानेर में बीकेसीएल पर मनमानी का आरोप लगाते हुए जनता को परेशान करने का आरोप लगाया है। विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति ने 29 जुलाई तक विधानसभा का कामकाज तय कर दिया। 29 को विधानसभा में राजस्थान का बजट पास होगा। 17 जुलाई को विधानसभा नहीं चलेगी। 18 जुलाई से अलग अलग विभागों की अनुदान मांगों पर बहस होगी। हर दिन बहस के बाद मंत्री बहस का जवाब देंगे। 8 दिन तक विधानसभा में अलग अलग विभागों की अनुदान मांगों पर बहस होगी। विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान राजाखेड़ा से कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने केंद्र से पहले राज्य का बजट पेश करने पर सवाल उठाए। बोहरा ने कहा कि राज्य सरकार को बजट पेश करने की ऐसी भी क्या जल्दी थी, कम से कम केंद्र सरकार का बजट तो पहले आने देते। आपका 46% रेवेन्यू जीएसटी और केंद्रीय करों से आता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर केंद्र सरकार को योजना शेयरिंग वाली लेकर आई तो आप पैसा कहां से दोगे। इस बजट को देखकर लगता है कि सरकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं है, ये बजट दिशाहीन है। आम आदमी को इससे गहरी निराशा हुई। बोहरा ने कहा कि समय पर लोन चुकता करने वाले किसानों का लोन घटा दिया। ग्रामीण विकास का बजट 1000 करोड़ रुपए घटा दिया। 650 करोड़ की शहरी मनरेगा 350 करोड़ की कर दी है। आप वाहवाही की उम्मीद कर रहे हो, राजस्थान में इस बजट से कोई विकास नहीं होगा। बोहरा ने एमनेस्टी के नाम पर सरकार खेला कर रही है। भरतपुर और श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल की रेट में 1.90 रुपए का अंतर है। सरकार का वित्तीय प्रबंधन पटरी से उतर चुका है। पीडब्ल्यूडी जेजेएम के ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ। ट्रेजरी बंद पड़ी है। सरकार के पास पैसा नहीं। 1,10,00,000 की अपनी गारंटी कैसे दे दी। सड़कें स्वीकृत की है बजट में, ये तो केंद्र का पैसा गुणराज सरकार खा रही है।